माशाल्लाह। अभी हम चेक करके तोड़ेंगे मटर, क्योंकि कुछ जो ऐसी हैं जिनमें अभी दाने नहीं बने, फलियां। ये देखें, इसमें अभी दाना जो है वो नहीं बना, मटर नहीं बने हुए, ये अभी कच्ची है। तो ये जो है इसमें देखें, देखने में ही नज़र आ रहा है कि इसमें जो है वो मटर बन चुके हैं। ये मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह, ये देखें। टाइम इसलिए लग रहा है कि चेक करके तोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ जो है उनमें अभी दाना नहीं बना, तो फलियां इसलिए मैं चेक करके तोड़ रहा हूँ। इस तरह दबा के ना, तो आसानी से पता चल जाता है कि किस फली में मटर बन चुके हैं और किस में अभी नहीं बने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटर और गोश्त, बीफ और मटर। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाएंगे आज मट्टी की हांडी में, और इसके साथ हम बना रहे हैं चावल। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले गोश्त शामिल करेंगे, 1.5 किलो गोश्त है। और अब इसमें जाएगा 5 चम्मच अदरक का पेस्ट है, और 4 चम्मच जाएगा लहसुन का पेस्ट। पांच मीडियम साइज के इसमें प्याज जाएंगे। और 4 मीडियम साइज के टमाटर हैं, और 8 से 10 सब्ज मिर्चें जाएंगी। अब इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। दो चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। डेढ़ चम्मच करेंगे इसमें हम लाल मिर्च शामिल। और 1 चम्मच इसमें हल्दी शामिल करेंगे। और अब इसको हम पकाएंगे। आज हम शोरबे वाला सालन बनाएंगे, ये चावलों के साथ हमने खाना है, और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। साथ ही हम चावल भी तैयार कर लेते हैं, और चूल्हा जो हमने तैयार किया है ये आरजी चूल्हा तैयार किया है, चूल्हा एक ही लेके आए थे हम। साथ ही हम चेक कर लेते हैं गोश्त, गोश्त हमारा गल चुका है। तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मिक्स हो गई हैं। ये खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है, तमाम चीज़ें जो हैं वो हल हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप।
गोश्त हमारा गल गया है, गोश्त को हम नीचे उतारेंगे और मटर जो है उनको हम लैदा फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब मटर इसमें हम डालेंगे। मटर फ्राई हो चुके हैं, इनको हम नीचे उतार लेते हैं। हंडिया को ऊपर रख दिया दोबारा। जो मटर हमने फ्राई किए हैं वो इसमें शामिल कर देंगे, तो जो ऑयल इसमें मटरों के साथ है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अभी इसमें हमने ऑयल बिल्कुल ही शामिल नहीं किया, लेकिन इसमें अपनी जो चर्बी होती है उसकी ही चिकनाई बन जाती है, तो ये ऑयल और ये मटर इसमें हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मटरों को अलहदा हमने इसलिए फ्राई किया, तो ताज़ा मटर हम लेके आए थे, अगर गोश्त के अंदर ऐसे ही मटर डाल देते तो ये हल हो जाने थे, इसलिए हमने इनको थोड़ा फ्राई कर लिया। अब ये इसके अंदर हल नहीं होंगे इतनी जल्दी। हमने क्योंकि शोरबे वाला सालन बनाना है तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं। अभी हम पानी डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। पानी हम जितना शोरबा हमने रखना उतना डालेंगे, काफ़ी इतना। हल्का सा हमने प्याज का तड़का लगाया चावलों को, चावलों में हम हल्का सा नमक भी शामिल करने लगे। अब इसमें लास्ट में हम डालने लगे हैं ताज़ा सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ धनिया डालने के बाद और साथ साबुत गर्म मसाला।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको सदा सलामत रखे, खुश रखे, और वालदैन का साया अल्लाह ताला की ज़ात आप सब दोस्तों पर सदा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।